हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चंस वीडियो नंबर 13। फ्रेंड, ये क्वेश्चंस आने वाले सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में होने वाले नर्सिंग एग्जाम जैसे ESIC, UP, NHM, AIIMS, NCL और DSSB अदर नर्सिंग स्टाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूर्व में हुई नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन 1, द हीट रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। हीट रेगुलेटरी सेंटर है वो कहाँ स्थित होता है, तापमान को नियंत्रित करने वाला सेंटर है वो कहाँ स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, हीट रेगुलेटरी जो सेंटर होता है वो होता है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में स्थित होता है हीट रेगुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर नापने का जो मेथड है वो कौन सा मेथड है जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नापने का जो मेथड होता है वो ऑप्शन सी, सब एरेक्नोइड कैथेटर होता है, वो सबसे एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो देता है। तो मेथड्स ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, सब एरेक्नोइड कैथेटर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइडेड बाई द नर्स टू ए पेशेंट अंडर गोन कैटरेक्ट सर्जरी। जिस पेशेंट की कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, अंडर गोन यानी जिसकी कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है, उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है देना नर्स के द्वारा। तो कैटरेक्ट सर्जरी के पेशेंट्स को किस टाइप का या कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ताकि वो उसके लिए अप्रोप्रिएट रहे, उसकी सर्जरी में सहायक रहे, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन न हो। तो फ्रेंड्स, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में पेशेंट को छींकने, खांसने और स्ट्रेस लगाने के लिए मना किया जाता है। जैसे स्टूल पास करता है तो भी उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो अगर वो स्ट्रेस लगाए तो कैटरेक्ट सर्जरी में दिक्कत होती है। इसलिए ऑप्शन डी, टेक ए स्टूल सॉफ्टनर डेली एट नाइट, ऑप्शन डी इज राइट। प्रत्येक रात को स्टूल सॉफ्टनर लेना चाहिए ताकि सुबह उसको मॉर्निंग में मोशन पास करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और स्ट्रेस है वो लगाना न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम्स नीचे दिए गए में से है, एक्सेप्ट लग गया है। तो यहाँ पूछा है, देखो फ्रेंड्स, द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से एक है। तो फ्रेंड्स, रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, आँखों में तेज दर्द होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, सीवियर, सडन सीवियर पेन इन आई, आँखों में सडन पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। ए नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल सिम्टम इन GB सिंड्रोम एक्सेप्ट। नर्स होती है तो वो GB सिंड्रोम है, गुलेन बार सिंड्रोम, उसमें सभी सिम्टम्स पाए जाएंगे एक को छोड़कर, एक्सेप्ट लगाए, सभी सिम्टम्स पाए जाएंगे एक को छोड़कर। तो फ्रेंड्स, GB सिम्टम्स होता है नर्वस सिस्टम की डिजीज है, इसमें पेशेंट में वीकनेस हो जाती है और एरिफ्लेक्सिया हो जाता है, पेरास्थीसिया हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन भी हो जाता है। कौन सा सिम्टम्स नहीं होता है, हाइपरटोनिया नहीं होता, हाइपरटोनिया यानी उसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें मूवमेंट सभी बॉडी पार्ट्स की कम होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज राइट, GB सिंड्रोम का जो साइन एंड सिम्टम है वो हाइपरटोनिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रोक इज मॉनिटर्ड बाई नर्स बाई ऑब्जर्विंग द। पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रोक का अर्लीस्ट साइन देखने के लिए क्या ऑब्जर्व करेगी एक नर्स। पोस्ट ऑपरेटिव शोक होता है पेशेंट, फ्रेंड्स ऑपरेशन करने के बाद कई बार पेशेंट्स को शोक की कंडीशन में चला जाता है, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव शोक कहेंगे। और उसके जो अर्लीस्ट साइन है उसको मॉनिटर करने के लिए नर्स है वो क्या ऑब्जर्व करेगी। तो फ्रेंड्स, अर्लीस्ट शोक किसी भी टाइप का है तो उसका अर्लीस्ट साइन देखने के लिए सबसे पहले वो अपने पेशेंट की पल्स रेट चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए इज राइट, पल्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ATP डज नॉट फॉर्म इन, इनमें से जो नीचे दिए गए हैं प्रोसेस,
इनमें किस में एटीपी नहीं बनती है, तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बनती है फ्रेंड्स, टीसीए साइकिल में भी बनती है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में भी एटीपी बनती है, एचएमपी पाथवे है इसमें है वो एटीपी नहीं बनती है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ इथिक्स इज कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड बाय, कोड ऑफ इथिक्स कंपोज्ड और पब्लिश किसके द्वारा किए जाते हैं, तो फ्रेंड्स जो नर्सेज के कोड ऑफ इथिक्स है वो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, ऑप्शन बी इज राइट, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा नर्सिंग के कोड ऑफ इथिक्स है वो कंपोज्ड और पब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, ऑक्सीजन सेचुरेशन इज मेजर्ड बाय, ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो किससे मापा जाता है, तो ये होता है पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट पोजिशन टू पालपेट द एपिकल पल्स इज एट द, जो एपिकल्स पल्स होती है, एपिकल्स पल्स यानी जो हार्ट में पल्स फील होती है उसको सबसे अच्छे तरीके से करेक्ट तरीके से मापने के लिए क्या पोजीशन होती है, कहाँ से अपने को एपिकल्स पल्स है वो माप सकते हैं, तो फ्रेंड्स एपिकल्स पल्स है वो मापने के लिए अपने को ऑप्शन बी की तरफ देखना है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, जो लेफ्ट साइड में है अपना हार्ट होता है तो मिड क्लेविकुलर लाइन पे देखना है सबसे पहले, तो जो क्लेविकुलर बोन है, क्लेविकल बोन है उसके मिड क्लेविकुलर लाइन की तरफ चले जाइए नीचे, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, पहले तो मिड क्लेविकुलर लाइन से नीचे की तरफ चले जाइए और उसके बाद में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे जहाँ पे दोनों ये चीज़ें क्रॉस होती है वहाँ पे अपने को एपिकल पल्स है वो सबसे एक्यूरेट है वो सुनाई देती है, सबसे एक्यूरेट एपिकल पल्स रेट है वो अपने यहाँ पे माप सकते हैं, ऑप्शन बी इज राइट, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो फ्रेंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एथ्रोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लॉथ टू द एक्जिला डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर थ्रू, एक्जिला में जो गीले कपड़े हैं या ठंडे कपड़े लगाने से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है ऑप्शन ए कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा जो गीले कपड़े बॉडी पे अपने लगाते हैं कोल्ड स्पंज करते हैं उसके द्वारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होता है, तो कंडक्शन की प्रोसेस से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है गीले कपड़े और कूल क्लॉथ से और ठंडे कपड़े फेरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना तो ये कहता है फ्रेंड्स टेकीपिनिया, ऑप्शन डी इज राइट, टेकीपिनिया, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना टेकीपिनिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाना ब्रेडिपिनिया हो जाएगा, और पल्स रेट बढ़ जाना टेकीकार्डिया हो जाएगा, और पल्स रेट घट जाना ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। इसमें अपने को रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना इंक्रीज होना पूछा है तो ये ऑप्शन डी इज राइट, टेकीपिनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है और सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये होता है पल्स प्रेशर, ऑप्शन ए इज राइट, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो भी अंतर होता है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स इज, एक पल्स का टाइप है जिसमें जर्की पल्स है विद फुल एक्सपेंशन, जो कि फुल एक्सपेंशन फील होती है और सडन कोलैप्स भी हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स इस टाइप की जो पल्स है वो होगी बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रीथिंग रुक जाना क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स ये कहलाएगा एपनिया। ऑर्थोपनिया में फ्रेंड्स जब पेशेंट या कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निया में जब पेशेंट लेटा हुआ होता है तो भी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और ब्रीडिपिनिया में रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है, और जो सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड यानी कुछ समय के लिए एक छोटे से शॉर्ट पीरियड के लिए ब्रीथिंग रुक जाना कहलाएगा एपनिया, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू असेस द पेशेंट पोस्टीरियर टीबियल पल्स एंड नर्स वुड पालपेट, टू असेस द पेशेंट्स पोस्टीरियल पल्स,
नर्व शूट पालपेट, पेशेंट की पोस्टीरियर टीबियल पल्स है उसको चेक करने के लिए नर्स कहाँ पे पालपेट करेगी। तो फ्रेंड्स, पोस्टीरियर टीबियल पल्स को पालपेट करने के लिए या चेक करने के लिए नर्स बिलो द मीडियल मेलियस, यहाँ पे ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है, बिलो द मीडियल मेलियस पे पालपेट करेगी तो उसको पोस्टीरियर टीबियल पल्स है वो फील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। टू करेक्टली पालपेट द पेशेंट्स स्किन फॉर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन ए नर्स विल यूज द, जब अपने किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं हाथ से, टू करेक्टली पालपेट द पेशेंट स्किन, जब हाथ से अपने किसी पेशेंट के गर्म या ठंडे होने का या टेम्परेचर किस टाइप का है, बॉडी वार्म है या ठंडी है, ये पता लगाएंगे, हाथ से पता लगाएंगे तो अपने किस से पेशेंट की बॉडी को है वो पालपेट करेंगे, तो बेस ऑफ हैंड्स, हाथ के बेस से नहीं करेंगे, फिंगर टिप से भी नहीं करेंगे क्योंकि अपनी अंगुलियाँ ठंडी या ज़्यादा हो सकती है, खुद की गर्म हो सकती है या ठंडी हो सकती है। डोर्सल स्पेस ऑफ हैंड्स, फ्रेंड्स डोर्सल स्पेस हैंड्स यानी उल्टा हाथ से अपने उसके चेक करेंगे, क्योंकि पाल्मर स्पेस ऑफ हैंड से तो अपनी जो पाल्म होती है, पाल्मर होती है, अपनी जो हथेली होती है वो खुद ठंडी होती है, तो पेशेंट का एक्यूरेट टेम्परेचर अपने पता नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स यानी हाथ को उल्टा करके पेशेंट के टच करेंगे तब पता चलेगा कि पेशेंट में टेम्परेचर किस टाइप का कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर असेसिंग रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट द नर्स विल आस्क द पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी इवैल्यूएटिंग द मूवमेंट ऑफ, फॉर असेसिंग रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट द नर्स विल आस्क द पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी इवैल्यूएटिंग द मूवमेंट ऑफ, जब अपने जॉइंट मूवमेंट, रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट असेस कर रहे हैं पेशेंट की और नर्स कहती है कि आपको अपना जो बॉडी पार्ट है जैसे हाथ है या पैर है उसको अपनी बॉडी से दूर लेके जाना है, तो इसको क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ को जो बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं तो उसको कहेंगे एबडक्शन। ऑप्शन सी इज राइट। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये फ्रेंड्स आया। मतलब फ्लेक्शन का मतलब किसी चीज़ को मतलब बॉडी की तरफ मोड़ना होता है, एक्सटेंशन यानी बॉडी से दूर की तरफ मोड़ना होता है, और एबडक्शन का मतलब बॉडी से किसी पार्ट को दूर लेके जाना, और एडक्शन का मतलब होता है बॉडी के नज़दीक किसी पार्ट को लेके आना। तो यहाँ पे पैसा पेशेंट्स टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, तो पेशेंट मूव अवे यानी बॉडी से दूर लेके जा रहा है तो इसको कहेंगे एबडक्शन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पोजिशन यूज टू असेस द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के एक्सटेंशन को असेस करने के लिए किस पोजीशन में पेशेंट होना चाहिए? फ्रेंड्स, सुपाइन यानी पेशेंट सीधा लेटा है तो उसमें हिप जॉइंट पता ही नहीं चल सकता, और प्रोन होता है उल्टा तो इसमें हिप जॉइंट का पता लग सकता है, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में हिप जॉइंट का पता लगेगा, सीटिंग में और डोर्स रिकमेंडेड में भी पता नहीं लगेगा, तो एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट का पता लगाने के लिए पेशेंट की प्रोन पोजीशन होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू, किसी पेशेंट को ज़्यादा एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है और हेमरेज हो रहा है तो उसको पेशेंट क्या हो सकता है? उसको हाइपोवोलीमिया हो सकता है। ऑप्शन ए इज राइट, हाइपोवोलीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज स्वीटिंग लीड्स टू, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उसको क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो इंक्रीज स्वीटिंग लीड्स टू हाइपोनेट्रीमिया, पसीने के अंदर, स्वीटिंग के अंदर उसका सोडियम साथ में निकल रहा है तो उसको सोडियम की कमी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटेनिंग साइट्रेट कोजेज, रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड का यानी ब्लड का रैपिड ट्रांसफ्यूजन कर देना, तेज तेज ट्रांसफ्यूट कर देना और जिसमें साइट्रेट मिला हो तो उससे क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ब्लड का जब रैपिड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो फ्रेंड्स को हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वासी ओरकोर अकर्स व्हेन द डाइट इज सीवियरली डिफिशियंट इन, क्वासी ओरकोर जब होता है जब डाइट में सीवियरली किस चीज़ की कमी हो? तो फ्रेंड्स, क्वासी ओरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, जब पेशेंट की डाइट में प्रोटीन की कमी हो तो क्वासी ओरकोर हो सकता है, और जो मेरास्मस है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस है, उसमें कैलोरीज की जब भोजन में कमी हो तब पेशेंट को मेरास्मस रोग होता है, और जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो
उसको क्वासिओरकोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोवाइडिंग ए पेशेंट्स हाइड्रेशन थेरेपी ए नर्स वुड इनिशिएट, जब किसी पेशेंट को अपने हाइड्रेशन थेरेपी देते हैं तो नर्स क्या करेगी। हाइड्रेशन थेरेपी मतलब पेशेंट को जब अपने फ्लूड दे रहे हैं, अधिक मात्रा में फ्लूड दे रहे हैं, तो नर्स का काम क्या है। तो फ्रेंड्स, जब ज़्यादा फ्लूड दिया जा रहा है तो मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, ऑप्शन डी इज राइट, अपने को उसका इनटेक और आउटपुट चार्ट है वो मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन एम्बुलेटिंग ए पेशेंट इज टू, किसी पेशेंट को जब अपने खड़ा कर रहे हैं, बेड रिडन पेशेंट्स है, तो उसके लिए नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी पेशेंट को जब खड़ा कर रहे हैं और उसको चलाने की ज़रूरत होती है, तो सबसे सेफ्टी प्रिकॉशन होता है कि पेशेंट के जो शूज़ पहने हुए हैं या जो भी उसके स्लीपर्स चप्पल पहनी हुई है वो वेल फिटेड होनी चाहिए, ताकि वो चलने से गिरे नहीं और सही ढंग से चल सके। तो ऑप्शन बी इज राइट, हैव पेशेंट वियर वेल फिटेड शूज, पेशेंट वेल फिटेड शूज पहने हुए होना चाहिए। ए पॉजिटिव बेनेटिक टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के द्वारा पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, सुक्रोज, सुक्रोज जब होता है तो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट है वो नहीं आता है, लेक्टोज माल्टोज ग्लूकोज में जो पॉजिटिव बेनेडिक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रीनल थ्रेश होल्ड फॉर ग्लूकोज इज डिक्रीज इन, ग्लूकोज के लिए रीनल थ्रेश होल्ड है वो कब डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, रीनल ग्लाइकोसूरिया, रीनल ग्लाइकोसूरिया में रीनल जो ग्लाइकोसूरिया है ऑप्शन सी है, उसमें रीनल थ्रेश होल्ड है वो ग्लूकोज के लिए कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, इन द डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट द रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इनटू शुड प्रिफरेबली इन द फॉर्म ऑफ, जब कोई पेशेंट डायबिटिक है और उसको जब अपने को कार्बोहाइड्रेट देना हो तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट्स को वैसे तो कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लेना हो, फिर भी अगर रिकमेंडेड उसको कार्बोहाइड्रेट डाइट करनी हो तो उसको पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, यानी जो कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म होती है वो पॉलीसेकेराइड्स होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ग्रेजुअल चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में पेशेंट की जो पोजिशन है वो ग्रेजुअल चेंज की जाती है, उसका प्राइमरी रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, पेशेंट की जो बीपी है उसको सडन फॉल होने से बचाने के लिए उसकी जो पोजिशन है उसको ग्रेजुअली चेंज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट, टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट एक्टिविटी, हार्ट एक्टिविटी का रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी की जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड टू डायग्नोसिस, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है वो किसका डायग्नोसिस करने के लिए यूज की जाती है, किस बीमारी के लिए ये जो टेस्ट है वो किया जाता है। तो डायबिटीज मेलिटस के लिए ग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सीरम लाइपेज लेवल इंक्रीज इन, सीरम लाइपेज लेवल है वो किस कंडीशन में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में सीरम लाइपेज लेवल है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सोर्स ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड का क्या सोर्स है। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा है। यहाँ स्पाइनस दिया गया, पालक, पालक हरी पत्तेदार सब्जी है तो स्पाइनक में ग्रीन फोलिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर अलर्ट द नर्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी, कौन सा क्लिनिकल फीचर्स है वो पेशेंट में हो रहा है तो वो नर्स को लिथियम टॉक्सिसिटी होने के बारे में अलर्ट करेगा, यानी उसमें लिथियम टॉक्सिसिटी का प्राइमरी फीचर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इंक्रीजली एग्रेसिव बिहेवियर है वो लेट फीचर होता है, मार्क इंक्रीज फूड इंटेक है ये होता है नहीं है, सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ये भी लेट फीचर होता है। अपने को यहाँ पे पूछा है अलर्ट यानी प्राइमरी फीचर पूछा है, तो एनोरेक्सिया विद नोजिया एंड वोमिटिंग अगर पेशेंट्स को हो रहा है और उसको लिथियम दे रहे हैं, लिथियम थायरॉयड दे रहे हैं, तो अपने को उसमें अगर पेशेंट को एनोरेक्सिया विद
नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो अपने को अलर्ट होना जाना चाहिए कि पेशेंट को वो लीथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। ऑप्शन डी इज राइट, एनोरेक्सिया विद नोजिया एंड वोमिटिंग है वो लीथियम टॉक्सिसिटी का प्राइमरी फीचर्स है, और सेकेंडरी और थर्डरी फीचर्स में इंक्रीजली अग्रेसिव बिहेवियर और सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर्स वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो होती है। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स। साथ ही साथ लीथियम की जो ब्लड में मात्रा होती है वो 0.6 से 1.2 मिली इक्विलेंट प्रति लीटर तक नॉर्मल होती है, और 1.5 मिली इक्विलेंट से ज़्यादा होती है तो उसको लीथियम टॉक्सिसिटी माना जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। अगर फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के बारे में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें, साथ ही साथ फेसबुक पे अपना पेज है नर्सिंग ट्रेंड उसको भी लाइक और फॉलो कर दें, क्योंकि शॉर्ट जो चीज़ें होती है जिन पे वीडियो बनाया जाना संभव नहीं होता उसको मैं फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड पे पोस्टिंग कर देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।